हाय गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। एंड गाइज रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जहां मैंने आपको इंडोर फोटोशूट करके दिखाया था। उस वीडियो में जितनी भी फोटोज हमने क्लिक किया था वो बहुत ही अलग थी बाकी सभी फोटो से, एंड मेरे को पर्सनली काफी अच्छी लगी वो सारी फोटोज, एंड आप लोगों को भी बहुत पसंद आया। एंड उस पर बहुत सारे कॉमेंट्स मैसेजेस एंड इवन डीएम्स भी मेरे को आए कि आप इन फोटोज को कैसे एडिट किया आपने, ये आप हमें भी सिखाओ। तो इसलिए आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप इस टाइप की फोटोज को कैसे एडिट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई एम श्योर कि अगर आप कभी भी इंडोर फोटोज को क्लिक करो तो आपको एडिटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो इस पूरे शूट में हमने बहुत सारी फोटो को क्लिक किया, एंड कमेंट्स तो आए कि आप सारी फोटो का ट्यूटोरियल बनाओ, लेकिन सारी फोटोज को बनाना बहुत मुश्किल है एंड मतलब बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैंने इन सारी फोटो को कैटेगराइज कर दिया। यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप की फोटो हमने क्लिक की थी। कैटेगरी वन जहाँ पे हमने साइड से रेड लाइट रखी थी एंड ड्रीम लाइट इफेक्ट जिसमें आ रहा था, वो आपको बताऊंगा आपको कैसे एडिट करनी उस टाइप की फोटोज। सेकंड जो हमने स्प्लिट लाइटिंग में फोटो क्लिक किया था जिसमें कि साइड से लाइट आ रही थी, एंड थर्ड जो हमने टॉप साइड से लाइट को रखा हुआ था। बाय द वे अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी जहाँ पे इन सभी फोटो हमने क्लिक किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक किया या फिर ऊपर आई बटन में आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिए तभी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड सारा कुछ बिल्कुल इजीली समझ आएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्प्लिट लाइटिंग वाली फोटो को, क्योंकि मेरे को ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी एंड ओरिजिनल ये फोटो बिल्कुल ऐसी थी। इसको हम देखते हैं एडिट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए लाइट बहुत ज्यादा है दूसरी साइड भी, क्योंकि मैं चाहता था कि एक साइड बिल्कुल डार्क हमारी लाइट आए, बट एक्चुअली लाइट की पावर थोड़ी सी ज्यादा थी तो इसलिए वो दूसरी साइड भी आ रही है, तो हमें दूसरी साइड को डार्क करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे सिलेक्टिव टूल के अंदर एंड एक हम ग्रेडियंट बनाएंगे बिल्कुल ऐसे, ओके। एंड इसका हम क्या करेंगे, एक्सपोजर करेंगे कम। सो देखिए ये एक साइड से बिल्कुल अभी डार्क हो रहा है जो कि बहुत ही सही लग रहा है, एंड डन। तो अब देखिए दूसरी साइड की लाइट हमारी खत्म हो चुकी है एंड जो दूसरी साइड से फेस पे लाइट आ रही थी वो भी कम हो चुकी है, तो ये स्प्लिट टोनिंग वाला इफेक्ट हमारा पूरा बन चुका है। अब क्या करते हैं, स्किन में थोड़े से ब्लेमिशेज हैं इनको हम लाइट रूम के अंदर ही फिक्स कर सकते हैं। हीलिंग टूल पर चलेंगे एंड जस्ट आपको ऐसे टैप कर लेना है। सो टैप करके ये सैंपल ले लेगा कहीं से, जहाँ पे भी आपकी स्किन अच्छी हो वहाँ से इसको सैंपल आप प्रोवाइड कर दो। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ एंड ये ऑटोमेटिकली सैंपल पिक कर लेगा। सो डन, यहाँ पे हमारी स्किन में हीलिंग भी हो चुकी है, आप देखिए ब्लेमिशेज हमारे फिक्स हो चुके हैं। एंड अब आपको दिखाता हूँ आप लाइट रूम के अंदर स्किन को कैसे स्मूथ कर सकते हो, बहुत ही जुगाड़ू सा तरीका है, बट यहाँ पे हम और किसी ऐप में नहीं जाना चाहते क्योंकि लाइट रूम में फोटो की क्वालिटी को बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है। तो कैसे करेंगे, हम फोटो को जूम कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ से जाते हैं सिलेक्टिव टूल के अंदर एंड ये ब्रश ले लेते हैं। जस्ट अपनी स्किन पे हम ऐसे पेंट करेंगे जहाँ पे हमारी स्किन का पार्ट है एंड मेरे जो हाथ है वहाँ पे मैं ऐसे पेंट कर लूँगा इसको। ओह साइज़ थोड़ा ज़्यादा लगा तो मैं इसका साइज़ कम कर लेता हूँ पहले एंड फिर हम ऐसे पेंट करते हैं। ओके तो इस टाइप से आपको पूरी स्किन पे पेंट कर लेना एंड फिर आपको क्या करना है, यहाँ से चलना इस वाले ऑप्शन में एंड इसकी हम क्लैरिटी को कम कर देंगे। सो देखिए हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, पहले ऐसी थी एंड अब ऐसी हो चुकी है जो कि बहुत ही सही लग रही है। एंड आप चाहो तो इसका कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा कम कर सकते हैं एंड डन। तो देखिए लाइट रूम के अंदर ही अपनी स्किन को हमने स्मूथ भी कर लिया है एंड ब्लेमिश को फिक्स भी कर लिया है। अब फाइनली इसमें कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले एंड जो ब्लैक वाला पार्ट इसको थोड़ा और ब्लैक कर लेते हैं एंड जो शेडोज इसको थोड़ा सा हम अप कर लेते हैं, इसका हम ओवरऑल फोटो का भी कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एंड अब चलते हैं कलर्स के अंदर, यहाँ से इसका हम सैचुरेशन थोड़ा कम करेंगे क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस फोटो को बिल्कुल डी सैचुरेटेड सी टोन में रहे, तो इसका हम सैचुरेशन कम करते हैं इतना। एंड इसका हम क्या करेंगे, कलर मिक्सर में चलेंगे एंड जो हाईलाइट्स है यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे इसका हाईलाइट का। मैं चाहता हूँ हाईलाइट में थोड़ी सी येलो टोन आए, तो सबसे पहले हम सैचुरेशन बढ़ा के देखते हैं कौन सा कलर इसमें रखना है। ये वाला टोन मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये येलो सा है एंड हल्का सा रेड भी लग रहा है, तो इसका हम सैचुरेशन इतना रखते हैं एंड करते हैं इसको डन। अब देखिए फोटो बिल्कुल मस्त हमारे यहाँ पे बन चुकी है। इसमें आप थोड़ी सी फेडेड टोन भी डाल सकते हो एंड वो कैसे, बहुत ही आसान तरीका है। कर्व में चलते हैं एंड यहाँ पे तीन पॉइंट बनाएंगे पहले, सबसे पहले नीचे, मेक श्योर कि इन पॉइंट से ज़्यादा फर्क आपकी फोटो में ना पड़े क्योंकि ये जस्ट हम रेफरेंस के लिए बना रहे हैं ताकि ये हमारे नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट अफेक्ट ना हो। तो ये हमने तीन पॉइंट बना लिए हैं। अब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इस पर हम टैप करेंगे एंड इसको ऐसे ऊपर उठा लेंगे, तो इससे आपकी फोटो में बिल्कुल फेड ऐड होगा, बिल्कुल सिनेमेटिक सा जो लगता है, बिल्कुल हल्का इसको रखेंगे एंड डन। सो अब देखिए पूरी फोटो हमारी कितनी गजब की यहाँ पे एडिट हो चुकी है एंड बिल्कुल प्रोफेशनल सी लग रही है। सो आपने देखा कितने आसान तरीके से आप अपनी फोटो को ऐसे एडिट कर सकते हो। अब बात करते हैं जो दूसरी फोटो हमारी रिम लाइट वाली है, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी थी लेकिन उसमें थोड़ी सी रेड लाइट ज़्यादा थी एंड हमने फोटो का एक्सपोजर एक्चुअली कम रखा था ताकि जो रेड लाइट साइड से आ रही है वो दिखे फोटो में, क्योंकि अगर हम एक्सपोजर बढ़ा देंगे तो वो रेड इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल व्हाइट सा लगेगा। इसलिए फोटो बहुत ही अंडर एक्सपोज क्लिक हुई है क्योंकि मुझे पता था एक्सपोजर तो हम एडिटिंग में भी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले जाएंगे लाइट्स में एंड इसका हम थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा लेते हैं
इसका हम कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम कर लेते हैं, शेडोज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं एंड ब्लैक्स को थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे हमारी फोटो का एक्सपोजर तो बढ़ चुका है एंड इसमें भी स्किन को हमें स्मूथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं एंड सिलेक्टिव टूल के अंदर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपने पूरे फेस पे। तो इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ। इसका हम क्या करेंगे, क्लैरिटी को कम कर लेंगे। सो ये हो चुका है एंड यहाँ से जाके हम क्या करेंगे, वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसमें। डन, यहाँ पे स्किन भी स्मूथ हो चुकी है। अब करते हैं इसमें कलर ग्रेडिंग एंड कलर वाली एडिटिंग अपनी। तो यहाँ चलते हैं आगे कलर्स के अंदर एंड इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देंगे। तो इसमें हल्की सी ये पर्पल वाली टोन आ जाएगी जो कि बहुत सही लग रही है मेरे को। तो अब चलते हैं आगे एंड जो हमारी स्किन का कलर है इसका हम क्या करेंगे, सैचुरेशन थोड़ा सा डाउन कर देंगे, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली पूरा ही डाउन कर देंगे। तो ये बहुत मस्त ऐसे लगेगा एंड जस्ट हमारी फोटो में रेड एंड ब्लैक टोन आ रही है, बहुत सही लग रहा है मेरे को। तो ये मैं चाह रहा था इस फोटो को ऐसा ही रखूं लेकिन फिर भी हमने इसमें थोड़ी सी और कलर टोन्स डाली। वो मैंने कैसे डाली, यहाँ से मैं गया इसमें एंड हाईलाइट को सिलेक्ट करके यहाँ से हमने क्या किया, इसमें येलो कलर टोन डाली है। तो इसका हम पहले सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं एंड फिर जाते हैं यहाँ पे येलो के पास। सो ये देखिए येलो टोन एंड ये रही येलो। अब चलते हैं यहाँ से शेडोज़ के अंदर एंड शेडो के लिए भी हम कोई कलर टोन चूज़ करेंगे। तो पहले मैं सैचुरेशन बढ़ा लेता हूँ। ये जो ब्लू के साइड वाला कलर होता है मैजेंटा, ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा तो इसका हम सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि हल्का सा इफेक्ट शेडो में आए एंड इसको भी कहते हैं डन। तो अभी के लिए आप देखिए पूरी फोटो हमारी यहाँ पे मस्त तरीके से एडिट हो चुकी है। पहले हमारी फोटो ऐसी थी लेकिन अभी ऐसी हो चुकी है। अब एक चीज़ की मुझे दिक्कत यहाँ पे लग रही है कि जो पीछे हमारा ब्लैक बैकड्रॉप था वो ब्लैक नहीं रहा है, उसका हमने शेडो को थोड़ा सा अप किया था तो इसलिए वो थोड़ा सा लाइट लग रहा है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे सिलेक्टिव के अंदर एंड एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एंड इसको कहते हैं इन्वर्ट। ये वही हमारी एक्सपोजर शिफ्टिंग वाली टेक्निक एंड क्या करेंगे, इसका हम ब्लैक करेंगे कम। डन, अब देखिए पूरी फोटो में मस्त टोन आ चुकी है एंड पूरी फोटो हमारी एग्जैक्ट मस्त तरीके से एडिट हो चुकी है। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत डॉज एंड बर्न करके और एडिटिंग कर दें तो आपकी फोटो और ज़्यादा बॉम्ब बन सकती है क्योंकि स्किन पे हमने अभी डॉज एंड बर्न नहीं किया है। बाकी आपको डॉज एंड बर्न अगर सीखना है तो मैंने स्पेशली इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ तो आपको बताना भूल गया, बोनस टिप, इन सभी फोटोज़ में आपको शार्पनेस कैसे बढ़ानी है। आपने देखा मेरी फोटोज़ बहुत ज़्यादा शार्प लग रही थी, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से चलेंगे शार्प वाले टाइप के अंदर एंड पूरी शार्पनेस को फुल बढ़ा देंगे। सो आप देखिए पूरी फोटो में मस्त एक शार्पनेस आ चुकी है। अगर आपकी फोटो में थोड़े ग्रेन आने लगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से मास्किंग पे क्लिक करिए एंड दोनों फिंगर से इसको टैप कीजिए, बिल्कुल जो आपके एजेस है वहाँ पे आपको शार्पनेस रखनी है। तो इसको मैं इतना रख लूँगा, इससे हमारी पूरी फोटो की जो एजेस है वो बिल्कुल शार्प हो जाएगी एंड फोटो हमारे इंस्टाग्राम पे जब हम पोस्ट करेंगे तो बहुत ही मस्त दिखेगी। सो चलिए लास्टली आपको दिखाता हूँ कि आप इस टाइप की फोटो कैसे एडिट करोगे जहाँ पे आप टॉप साइड से लाइट रखोगे। इसमें मेन दिक्कत एक ही है कि जो हमने लाइट जहाँ से रखी हुई है ना उसका सोर्स कहीं से दिख नहीं पा रहा है कि लाइट एक्चुअली कहाँ से आ रही है। पूरी फोटो बहुत सही है नो डाउट, बट यहाँ पे सोर्स नहीं दिख पा रहा, तो इसलिए हम एडिटिंग में ये सारी चीज़ें भी करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लाइट्स में चलते हैं एंड इसका हम थोड़ा शेडो बढ़ा लेते हैं एंड ब्लैक्स को थोड़ा सा कम एंड इसका हम कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो अभी के लिए ये सही है, आगे चलते हैं एंड इसको हम क्या करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा कम करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, ओके। एंड चलते हैं कलर मिक्सर के अंदर एंड जो हमारे स्किन का कलर है इसका हम थोड़ा सैचुरेशन थोड़ा सा कम करेंगे एंड इसका हम यू चेंज करके थोड़ा सा येलो टोन में रख लेंगे। बाकी इसमें और कोई कलर है नहीं। एक चीज़ हम और क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे चलेंगे कलर मिक्सर के अंदर जो ये होता है, शेडोज़ में हम डालेंगे ब्लू टोन जो कि बहुत सही लग रही थी इस फोटो में। तो शेडो पे हम क्लिक करते हैं, इसका सैचुरेशन बढ़ाते हैं एंड ब्लू कलर पे चलते हैं, इसका सैचुरेशन थोड़ा सा कम रखते हैं एंड ये टोन बहुत अच्छी लग रही थी इसमें, तो बिल्कुल हल्का सा इसको बढ़ाएंगे, बिल्कुल ही हल्का सा ताकि ज़्यादा पता ना लगे। डन है एंड हाइलाइट्स के लिए हम थोड़ा सा येलो टोन इसमें देखते हैं एंड ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसको कहते हैं डन। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि पूरी फोटो में जो लाइट का सोर्स है वो हमें नहीं पता लग रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है, तो वो हम ड्रॉ करेंगे सिलेक्टिव टूल की मदद से। यहाँ पे हम चलते हैं एंड यहाँ से ऐड करेंगे, एक ऐसा सर्कल हम बना लेंगे एंड इसको रखेंगे इस साइड, बिल्कुल इसको ऊपर कर लेते हैं एंड इसका हम क्या करेंगे, एक्सपोजर बढ़ा देंगे। सो देखिए ऐसे लाइट का एक सोर्स दिख रहा है अब। सो देखिए ये हमने एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा कर लिया, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इतना रखते हैं जो कि बहुत सही लगेगा एंड डन। अब आप देखिए पूरी फोटो में एक लाइट का सोर्स भी दिख रहा है एंड ओवरऑल एक लुक आ रही है, मतलब फोटो में लाइट कहाँ से आ रही है। तो इस तरीके से इस फोटो को हमने ब्लू एंड डार्क टोन में एडिट किया था। इसमें स्किन आप एडिट कर सकते हो इसके बाद एंड डॉज एंड बन करके और भी इस फोटो को आप अच्छा बना सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो मैंने पोस्ट किया, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए एंड अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और सेल्फ पोर्ट्रेट वाली वीडियोस बनाऊं, मतलब इंडोर फोटोशूट की, तो आप वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए जरूर से ऐसी वीडियो लेके आऊंगा, लॉकडाउन में और कोई काम वैसे भी नहीं है क्योंकि घर के अंदर ही हम शूट कर सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे एंड एक प्यार सा कमेंट तो करोगे ही एंड अगर चैनल पर नहीं होता है सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। सो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।